तो दोस्तों एक बार फिर तमिलनाडु प्रीमियर लीग के नए नवेले सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जहां 8 टीम्स TNPL के खिताब की दावेदारी पेश करती नजर आएंगी। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं फोर्थ मैच जो खेला जाएगा निलई रॉयल किंग्स और चेपक सुपर गिलीज के बीच। वेल, इस वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे वेन्यू की, नजर डालेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर और देखेंगे कि कौन से ऐसे खास खिलाड़ी हैं जो कि इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। निलई रॉयल किंग्स जो कि इस सीजन का पहला मुकाबला खेल रही है, क्या वो पहले ही मैच में जीत दर्ज करेगी या फिर चेपक सुपर गिलीज जिन्हें इस सीजन के पहले मुकाबले में लाइका कोवई किंग्स से 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, क्या वो यहां से जीत का रास्ता ले पाएंगे? आइए इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेन्यू से। SCF क्रिकेट ग्राउंड यानी कि सेलम में जो ये मुकाबला हो रहा है वहां 20 मैचेस टोटल खेले जा चुके हैं। 12 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 8 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। एवरेज स्कोर 150 का नजर आता है। हाईएस्ट स्कोर निलई रॉयल किंग्स का है 211 रन और लोएस्ट स्कोर है आई ड्रीम तिरुपुर तामिजांस का 73 रन। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 150 से नीचे 12 बार स्कोर गया है, 150 से 169 के बीच एक बार, 170 से 189 के बीच दो बार और 5 बार स्कोर 190 प्लस गया है। अब ये तो हुई बात बल्लेबाजी के लिहाज से, बॉलर्स का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो भाई TNPL 2024 के पहले मुकाबले में यहां 10 विकेट चटकाए गए थे, 7 विकेट पेसर्स ने और 3 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। तो ये था पूरा लेखा जोखा भाई वेन्यू का, जहां कैप्टन टॉस जीतकर गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोनों टीम्स की ओर। वेल, अभी तक के सफर को देखते हुए यानी कि हेड टू हेड कंपैरिजन पे अगर आप फोकस करें तो 2 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं और एक एक मुकाबला दोनों टीम्स ने अपने नाम किया है। 2022 में चेपक ने जीत दर्ज करी थी 5 विकेट से और 2023 में निलई रॉयल किंग्स ने हार का बदला लेते हुए 8 विकेट से CSG को मात दी थी। वेल, ये तो बात पुरानी है, इस करंट सीजन में चलिए नजर डालते हैं NRK यानी कि निलई रॉयल किंग की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और कुछ खास खिलाड़ियों पर। अरुण कार्तिक, ऋतिक ईश्वरन, जी अजितेश, मोहन प्रसाद, संदीप वॉरियर, एम पोयामोजी, लक्ष्य जैन, निरंजन आर, सूर्य प्रकाश, आर मिथुन और एल विग्नेश ये खेल सकते हैं अपने इस सीजन का पहला मुकाबला, जहां पे खास तौर से अगर आप बल्लेबाजी की बात करते हैं तो अरुण कार्तिक भाई 56 मैचेस में 1885 रन बना चुके हैं, 149 के स्ट्राइक रेट से सेकंड लीडिंग रन स्कोरर हैं TNPL के। वहीं जी अजितेश की अगर हम बात करें तो 19 मैचेस का इन्हें अनुभव है, 514 रन बनाए हैं 177 के स्ट्राइक रेट से। छोटी मोटी पारियां ऋतिक ईश्वरन भी खेलते दिखाई दिए, जिन्होंने 15 मैचेस में 148 के स्ट्राइक रेट से 211 रन बनाए हैं। अब ये तो हुई बात तीन बल्लेबाजों की। गेंदबाजी की जब आप बात करते हैं तो एम पोयामोजी टीम के सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज है, 31 मैचेस का इन्हें अनुभव है और 40 विकेट ये चटका चुके हैं। वहीं संदीप वॉरियर ने 21 मैचेस खेलते हुए 7.6 की इकोनॉमी से 18 विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये है कुछ 5 खिलाड़ी जिन्हें आप अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। अब एक नजर इनके ओपोनेंट्स पर भी डाल लेते हैं। भाई सीजन का पहला मुकाबला भले ही हारी है लेकिन चेपक के यहाँ पर जीतने के चांसेस प्रबल दिखाई देते हैं। एन जगदीशन, बाबा परजीत, परदोष रंजन पॉल, जितेंद्र कुमार, डेरिल फेरेरियो, आर सतीश, अभिषेक तनवर, एम सिलंबरसम, अश्विन क्रिस्ट, जी परिस्वामी और राहिल शाह खेलते नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों इस टीम के जो की प्लेयर्स हैं, सबसे पहले तो बॉलर्स की बात करें, डेरिल फेरेरियो लाइका कोवई किंग्स के खिलाफ 1 विकेट निकाला था, अभिषेक तनवर ने पहले ही मुकाबले में 6.5 की इकोनॉमी से 4 विकेट चटका दिए हैं, तो वहीं जी परियास्वामी ने 1 विकेट अपने खाते में जोड़ा था 6.0 की इकोनॉमी के साथ। तो इन तीन बॉलर्स पर तो आपका ध्यान होना ही चाहिए। बल्लेबाजी थोड़ी सी वीक जरूर नजर आई है, हालांकि कुछ ऐसे नाम मौजूद जरूर है जो कि टीम को एक तरफा जीत दिलाने में कारगर साबित हो सकते हैं। बाबा अपरजीत पहले ही मैच में 131 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बना चुके हैं, तो वहीं परदोष रंजन पॉल ने लाइका कोवे किंग्स के खिलाफ 125 के स्ट्राइक रेट से 40 रनों की पारी खेली थी। ये दो बल्लेबाज अभी तक कारगर साबित हुए हैं, हालांकि ये मुकाबला जो है भाई लोग एक बार फिर कांटे की टक्कर का हो सकता है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के यहाँ पर चांसेस थोड़े ज्यादा प्रबल नजर आते हैं। इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।